पता चलेगा। शाबाश, मैं आपसे एंट्रीज डिस्कस करूंगी रादर देन डिस्कसिंग इन अकाउंट फॉर्मेट। मैं रिकॉल करवाना चाहती हूँ एंट्रीज। इफ आई आस्क यू व्हाट इज मटेरियल परचेजेस की एंट्री, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं सीएलसी बाय द वे। और अगर यही इंटीग्रेटेड अकाउंट कैश या क्रेडिटर्स, तो नॉन इंटीग्रेटेड है तो सीएलसी, इंटीग्रेटेड है तो कैश या क्रेडिटर्स। अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज है तो सेम एंट्री। नाउ डायरेक्ट मटेरियल इशूड एंट्री एसएलसी, वो तो चाहे इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है। और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू का भी ओवरहेड है टू एसएलसी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर स्टोर में ही हमको डेफिशिएंसीज दिखाई दे जाए, अगर तो डेफिशिएंसी नॉर्मल है तो ओवरहेड्स, कौन से ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू एसएलसी, और अगर डेफिशिएंसी अबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल टू एसएलसी। राइट है जी। अब वेजेस इनकर्ड, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड या अगर इंटीग्रेटेड है तो क्या, और अगर इनडायरेक्ट वेजेस हुई तो सेम एंट्री। बट अगर डायरेक्ट वेजेस हमने चार्ज करवानी है वेजेस, और अगर इनडायरेक्ट वेजेस वेजेस, तो इनकरेंस हो गई ये और चार्जिंग हो गई ये। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं ओवरहेड्स इनकर्ड, कोई भी ओवरहेड्स है इनकर हो रहे हैं तो ओवरहेड्स टू सीएलसी या कैश। बट स्पेशली इफ इट इज फैक्ट्री ओवरहेड, जिसकी मैं अब्सॉर्प्शन की बात करूं, अब्सॉर्ब्ड नाम दे दो, अप्लाइड, रिकवर्ड, चार्ज्ड, एलोकेटेड, जो भी वर्ड है, अल्टीमेटली एंट्री क्या पास हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले हैं, फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा और हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही जाएगा। ये हो गए सभी तरीके के खर्चे इनकर हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास सेल्स होती है तो सिंपली सेल्स की एंट्री क्या पास होगी, सीएलसी टू सेल्स या कैश टू सेल्स या डेबिट टू सेल्स, और यही सेल्स के फिगर उठ के पीएनएल या कॉस्टिंग पीएनएल में चली जाती है। राइट, अगर मैं इन्वेंट्री ट्रांसफर की बात करूँ, गुड्स कंप्लीटेड बोल दीजिए, गुड्स फिनिश्ड बोल दीजिए, जहां पे भी फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्ड आ गया तो एंट्री क्या पास करेगी, फिनिश्ड गुड्स टू डब्ल्यूआई। अब उसके बाद बोल दिया जा रहा है गुड्स सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम वेयर हाउस, तो एंट्री क्या पास करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, तो जो भी एंट्री है ये पास होती है एट सीओजीएस, और जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास इकट्ठी फिगर होगी आपके पास अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, कॉस्टिंग पी एंड एल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एंट्री पास कर दोगे आप। राइट, अगर कोई हमारे पास ओवरहेड्स अकाउंट में बैलेंस करने पर पता चल रहा है अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन है, बाय द वे अकाउंट बना रहे हो तो अंडर अब्सॉर्प्शन किस साइड आएगी, यहाँ पर अंडर अब्सॉर्प्शन, और ओवर अब्सॉर्प्शन बना रहे हो तो इस साइड आएगी। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बैलेंस खुला छोड़ना है तो ऑब्वियसली बैलेंस खुला छोड़ना है, बट इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ, अगर मैं ये बोल रही हूँ इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ, कहाँ रिटर्न ऑफ, कॉस्ट एंड पीएनएल। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स रिटर्न ऑफ, एंट्री आप क्या पास करोगे, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट होगा ना, और अगर ओवर अब्सॉर्प्शन है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिटेड टू कॉस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ छुटपुट एंट्रीज है, देखिए अगर परचेजेस रिटर्न है, परचेज करते हो तो एसएलसी टू सीएलसी, परचेजेस रिटर्न है तो रिवर्स एंट्री, या हमने बोल दिया अगर हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं और वो वापस आ गया है तो एसएलसी टू डब्ल्यूआई। राइट, अब स्पेशली सेल्स रिटर्न को लेकर बात है, अगर जैसे जब सेल्स हुई एंट्री पास करते हो सीएलसी टू सेल्स, सेल्स रिटर्न होगी तो वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बट जब सेल्स होती है तो क्वांटिटी सोल्ड आप निकाल कर कहां से कहां बेचते हो, जी फिनिश गुड से निकाल कर कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेचते हो, जब वही क्वांटिटी वापस आ रही है मतलब गोडाउन में दोबारा एंट्री ले रही है तो उसकी कॉस्ट से ही आप एंट्री पास करोगे फिनिश गुड्स डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, और वैल्यू रहेगी रिप्रेजेंटिंग अ कॉस्ट। ठीक है जी। Apart from that, I don't think there is anything left to be discussed. बार बार आप इन्हीं entries को एक बार go through कीजिए, अगर आपको logics clear है तो आपको इस chapter में दिक्कत नहीं आएगी. Ultimately, it is only the practice.
हाँ, एक और पॉइंट हमने इस चैप्टर में सीखा है अबाउट रिकंसिलिएशन एस्पेक्ट, दैट अगर ओवरहेड्स अकाउंट में हमने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का बैलेंस खुला रखा है, देन इट इज एन आइटम विच विल बी अपियरिंग इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बट इफ दैट अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हैज बीन रिटन ऑफ टू कॉस्टिंग पीएनएल, तब हम बोलेंगे कॉस्टिंग और फाइनेंशियल एटलीस्ट इस रीजन की वजह से डिसएग्री नहीं करते हैं, दिस इज नॉट एन आइटम टू बी अपियर इन टू बी अपियरिंग इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. दैट्स इट. चलिए जी, बस हमारा ये चैप्टर हो रहा है क्लोज. थैंक यू सो मच.